वेलकम टू माई चैनल एनालिसिस होल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू अबाउट द हीरोइक कपलेट। वॉट इज हीरोइक कपलेट? A heroic couplet is a form of writing that consists of two iambic pentameter lines rhyming together at the end. तो heroic couplet क्या होता है? दोहा होता है ना हिंदी में, तो उसको हम couplet बोलते हैं। तो ये किस फॉर्म में लिखा जाता है? टू लाइन्स, दोहा मतलब टू लाइन्स, couplet। तो consists of two iambic pentameter lines. Why is it called heroic? इसको हम heroic क्यों बोलते हैं? Because pentameter verse rhymed or unrhymed was first used for epic or heroic poetry. तो सबसे पहले इसका use कहाँ पर हुआ heroic couplet का? Epic को लिखने में और किसी heroic poetry के बारे में, मतलब जिसमें hero का, किसी hero का एक्सप्लेनेशन की जाती थी, एक्सप्लेन किया जाता था हीरो के बारे में, उसके हीरोइक डीड्स के बारे में, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता था। एज़ फार एज़ इंग्लिश पोइट्री इज़ कंसर्न, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेजर। तो इंग्लिश पोइट्री में इसका बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंस है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। मोस्ट ऑफ द पोइट्री ऑफ द ऑगस्टन एज, द एज ऑफ ट्राइडन एंड पोप, वॉज रिटन इन द सेम मेजर। तो सबसे ज़्यादा इस हीरोइक कपलेट का यूज़ कौन सी एज में हुआ? ऑगस्टन एज, जिसको हम एज ऑफ ड्राइडन एंड एज ऑफ पोप भी कहते हैं। और इस ये कौन से इसका स्पैन क्या था? 1662-1750। तो उस टाइम की पोएम्स भी हीरोइक कपलेट में लिखी जाती थी। The heroic couplet makes itself an independent unit just like a stanza. अब heroic चाहे दो ही लाइन में लिखा गया होता है heroic couplet, लेकिन एक वो फुल, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है? पूरा stanza poem का जो होता है, तो वो जो हम पूरा stanza में जो अपनी poets जो अपनी views को express करना चाहता है, तो वो इन दो lines में भी express कर देता है, तो इसको हम स्टेंजा भी मान सकते हैं। इन ए हीरोइक कपलेट समटाइम्स द सेंस ऑफ वन कपलेट इज अलाउड टू रन ओवर फ्रॉम वन कपलेट टू द फॉलोइंग कपलेट। तो अगर पूरी पोएम ही कपलेट्स में लिखी है, मतलब दोहा फॉर्म में लिखी है, तो उस ए पहले वाले दोहे की, पहले वाले कपलेट में जो सेंस है, वो आगे नेक्स्ट वाले कपलेट में कंटिन्यू होती चली जाती है। ऐसे ही पूरी पोएम का, फुल पोएम में पोएट जो है अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर देता है। ईच लाइन ऑफ हीरोइक कपलेट कंसिस्ट्स ऑफ 5 feet। तो हर एक लाइन कपलेट की में, हीरोइक कपलेट की हर एक लाइन में कितने फीट होते हैं? 5 feet, मतलब हम उसको 5 parts में डिवाइड करते हैं। और जो एक उस फीट का जो एक पार्ट होता है उसको हम फुट बोलते हैं। और एक फुट में कितने सिलेबल्स होते हैं? 2 syllables, जिनको हम हिंदी में छंद बोलते हैं। द सेकेंड सिलेबल इन ईच फुट इज स्ट्रेस्ड और असेंटेड। तो हर एक फुट में जो सेकेंड सिलेबल होता है वो स्ट्रेस्ड होता है। जैसे पहला वाला अनस्ट्रेस्ड, दूसरा स्ट्रेस्ड, फिर थर्ड अनस्ट्रेस्ड, फोर्थ स्ट्रेस्ड, ऐसे। तो 5 foot में, 5 जो foot होते हैं उसमें अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, इस तरह से सिलेबल्स होते हैं। द पोजिशन ऑफ द पॉज इन द हीरोइक कपलेट इज इंडिकेटेड बाय अ कॉमा। तो कहीं भी पोइट जो है थोड़ा सा पॉज देना चाहता है, थोड़ा सा रुकना चाहता है हीरोइक कपलेट में अपनी बात को, जो भी एक्सप्रेस करता है वो अपने व्यूज़, तो वो उसको वहाँ पर कॉमा लगा देता है। द लास्ट सिलेबल ऑफ द फर्स्ट लाइन राइम्स विद द लास्ट सिलेबल ऑफ द सेकेंड लाइन। तो जो फर्स्ट लाइन का जो लास्ट सिलेबल होगा,
चाहे वो स्ट्रेस्ड हो या अनस्ट्रेस्ड, तो उसे सेकंड वाली लाइन से हमेशा राइम करेगा। जैसे ड्राउंड, फर्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड क्या है? ड्राउंड। सेकंड लाइन में लास्ट वर्ड क्या है? फाउंड। फर्स्ट लाइन में हिल, सेकंड में फिल। तो ऐसे ये राइम्स करते हैं टू टू वर्ड्स। देर आर यूजुअली टू पॉजेस और स्टॉप्स इन ईच ऑफ द टू लाइन्स ऑफ ए हीरोइक कपलेट। तो हर लाइन में, पूरे हीरोइक कपलेट में दो पॉज, पॉज मतलब थोड़ा सा जैसे कॉमा लगा दिया, ब्रेक आ गया या स्टॉप, थोड़ा सा हल्का सा रुकना चाहता है पोएट अपनी व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, हल्का सा पॉज देने के लिए, तो वो एक कपलेट में दो बार आता है। नॉर्मली वन इज एट द एंड। तो पहला पॉज कहाँ आता है? सबसे ज़्यादा एंड में आता है, नोन एज द एंड स्टॉप। वो होता है एंड स्टॉप पहली लाइन के लास्ट में। एंड द सेकेंड वन इज समवेयर इन द मिडल एंड नोन एज मिडल स्टॉप और सिज़ोरा। और कहीं पर बीच में अगर पोएट पॉज देता है, बीच में लाइन के बीच में अगर कॉमा होता है, तो उसको हम मिडिल स्टॉप बोलते हैं। और उस मिडिल स्टॉप का दूसरा नाम क्या होता है? सिज़ोरा। तो मिडिल स्टॉप सिज़ोरा इज जनरली प्लेस्ड आफ्टर द फोर्थ और सिक्स्थ सिलेबल। तो सबसे ज़्यादा ये फोर्थ और सिक्स्थ सिलेबल के बाद आता है। जैसे एक पोएम है क्रिस्टोफर मार्लो की हीरो एंड लिंडर, तो उसमें हर वाइड स्लीव्स ग्रीन कॉमा एंड बॉर्डर्ड विद अ ग्रोव। तो कहाँ पर कॉमा है? फर्स्ट लाइन के फोर्थ या सिक्स सिलेबल्स पर। एंड इट इज़ इंडिकेटेड बाय अ कॉमा और सेमी कोलन। और इसको पोएट कैसे इंडिकेट करता है? या तो कॉमा लगा देता है या सेमी कोलन। द राइम इज़ लिमिटेड टू द एंडिंग सिलेबल्स ऑफ बोथ लाइन्स एज ग्रो एंड सो। जो पहले मैंने बताया था राइम एक मतलब फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड और सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड, जैसे ग्रो एंड सो, तो दोनों राइम करते हैं। तो इस तरह से दोनों स्ट्रेस्ड सिलेबल्स हैं और राइम करते हैं। इन द क्लोज्ड कपलेट वैरायटी द सेंस इज कंप्लीटेड विद इन वन कपलेट एंड ईच दस फॉर्म्स अ कम्प्लीट सेंटेंस। और अगर किसी स्टेंजा के लास्ट लाइन में, जैसे सोनेट में होता है लास्ट में एक कपलेट होता है, तो उस कपलेट में ही पोएट उस पूरी अपनी पोएम की सेंस को कम्प्लीट कर देता है पूरे एक कपलेट में। एंड ईच दस फॉर्म्स अ कम्प्लीट सेंटेंस। और वो सेंटेंस पूरा एक, मतलब हम उसको एक सेंटेंस के फॉर्म में, जैसे एक सेंटेंस से सेंस निकलती है, तो ऐसे ही वो लास्ट वाला हीरोइक वो कपलेट जो होता है उसमें पोएट अपनी बात कहकर ख़त्म कर देता है उस पोएम को। इन द रन ऑन वैरायटी द सेंस ऑफ वन कपलेट इज शिफ्टेड टू अनदर टिल इट इज़ कम्प्लीटेड। और अगर वैसा कोई पोएम है जो उसने कपलेट्स में ही लिख किया है, तो इसलिए सेंस जो है वो कंटिन्यू होती चली जाती है एक कपलेट से दूसरे कपलेट में। इन सच केसेस द इंडिविजुअल कपलेट डज नॉट फॉर्म अ यूनिट बट द यूनिट इज़ फॉर्म बाय वर्ड्स पैराग्राफ। तो ग्रुप ऑफ कपलेट्स जो होता है उसमें पूरे में ही पोएट अपनी बात कहता है, ये नहीं कि टू लाइन्स लिखी और उसकी बात ख़त्म हो गई। विच कम्प्लीट्स द सेंस। दिस रन इज नोन एज, रन ऑन इज नोन एज एंजेमेंट। तो जब एक कपलेट से दूसरे कपलेट में उस पोएम की सेंस कंटिन्यू होती चली जाती है, तो उस चीज़ को हम एंजेमेंट कहते हैं। इट्स प्रॉम्प्टनेस बैलेंस एंड एपिग्रामेटिक फ्लेवर्स मेक इट एन अप्रोप्रिएट टूल मेनली फॉर सटायरिक एंड नरेटिव पोएट्री। तो उसका जो बैलेंस, उसका जो प्रॉम्प्टनेस होता है, तो उसको ये वो एक अप्रोप्रिएट टूल बन जाता है एंजेमेंट जो होता है। तो ये मेनली कहाँ पर यूज़ होती थी एंजेमेंट? सटायरिक मतलब
किसी पर व्यंग वाली जो कविताएं होती हैं एंड नरेटिव पोइट्री, या पोइट खुद उसमें नरेटर हो, तो इस तरह की पोइम्स में एंजेमेंट यूज़ किया जाता था। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर लिरिकल पैशनेट टेंडर और एलेगिक वर्ड्स। तो ये किस चीज़ के लिए सूटेबल नहीं था, किस तरह की पोइट्री के लिए, या चाहे वो पोइट्री लिरिकल हो, पैशनेट हो, टेंडर हो या एलेगिक। इट हैज़ द ब्रेविटी ऑफ एक्सप्रेशन एंड देर इज नथिंग लैंग्वेज और स्लम्बरस अबाउट इट, अनलाइक द स्पेंसेरियन स्टैंसा। तो कपलेट में क्या होता है, ब्रेविटी मतलब शॉर्टनेस, मतलब वो अपनी पोइट जो कुछ कहना चाहता है सिर्फ दो लाइन्स में ही बोल देता है, ये नहीं कि बहुत लंबा स्टेंजा लिख रहा है उस अपनी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे स्पेंसेरियन स्टेंजा में होता था। तो उन कपलेट में ही पोइट अपनी बात को कह देता है। इट इज़ द परफेक्ट फॉर्म ऑफ एपिग्रामेटिक लैंग्वेज। पोप इज़ द बेस्ट अमंग ऑल इंग्लिश पोइट्स हु यूज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ एपिग्रामेटिक एक्सप्रेशंस विद इन हिज पोइट्री, स्पेशली इन हीरोइक कपलेट्स। तो पोप जो था, अलेक्जेंडर पोप, वो इस चीज़ को अपनी पोएम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया करता था। इट्स शॉर्ट एंड पिथी पॉइंट्स विच लुक लाइक प्रोवर्ब्स और एग्जाम्स मेक इट अप्रोप्रिएट मीडियम फॉर सैटायरिक पोइट्री। तो छोटे छोटे उसमें अपनी बात को एक्सप्लेन करना, जैसे प्रोवर्ब्स होती हैं हमारी इंग्लिश में, कहावतें होती हैं, तो इस तरह की जो सैटायरिक पोइट्री लिखी जाती थी उसके लिए कपलेट जो था बेस्ट मीडियम होता था। द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश सेटायर वॉज द गोल्डन एज ऑफ हीरोइक कपलेट। तो जिस स्पैन में, जितने ईयर्स में इंग्लिश सेटायरिक पोइट्री लिखी गई उसको हम गोल्डन एज ऑफ हीरोइक कपलेट कहते हैं। तो वो सब कपलेट्स में लिखी जाती थी।